Ecco! Regulatoro! Regulatoro! Vediamo la sveglia, sappa se pantanfa! Sappa se pantanfa! Adattalo! Adattalo! Dai, German Pirieco! Adattalo! Adattalo! Sappa se pantanfa! Adattalo! Adattalo! Dai, German Pirieco! Adattalo! Adattalo! Dai, German Go! Adattalo! जी सर, आप लोग कितने अरसे से तनख्वाह? जी हमारे हम पिछले 12-15 साल से, कई लोगों के 15 साल हुए, कई लोगों के 12 साल हुए हम नौकरियों पे है। और पिछले 7 माह से जिस तरह हमारे साथ ये सलूक किया गया है, 7 माह से हमारे तनख्वाहें नहीं है, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे घरों में गैस बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। अक्सर दोस्तों के ये पोजिशन है कि वो अपने बीमार बच्चों को डॉक्टर तक भी नहीं ले जा सकते। तो हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करते हैं कि 700 बंदों की जो आपको तनख्वाहें बंद की है, इसको फिल फौरन जो है वो अदा किया जाए और हमारे जो हकूक है वो हमें दिए जाए। ठीक है सर, DTA में कंट्रैक्ट और प्रोजेक्ट मुलाजमीन का 7 महीने से तनख्वाहें नहीं है, इनके बच्चे बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, इनको इनके बच्चों को स्कूल से फारिग किया गया और इनके इम्तिहान में इनको नहीं बिठाया गया, और ये अरसे 15 साल से DTA में मुलाजिम हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी साहब कहता है ये गैर कानूनी बरती है, अगर गैर कानूनी बरती है तो चेयरमैन हमेशा जो है चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से DTA में आए हैं। अगर आप चीफ सेक्रेटरी साहब, अगर आप गैर कानूनी हैं तो हमारे DTA के मुलाजमीन भी गैर कानूनी हैं। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये जितना भी हमारे DTA के 700 के करीब मुलाजिम हैं, इनको फिल रेगुलर किया जाए, बाद में इंक्वायरी किया जाए, जो भी हो गया वो फिर बाद में देखेंगे। कितनी अर्ज जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है, जो साहब की हुकूमत है उन्होंने ये वादा किया, कल हमारे पास वो तहरीर भी लिखी पड़ी है कि ये पीढ़ी के जितने भी लाखों की तादाद में नौकरियां आई हैं और इनको एडवर्टाइज करेंगे। जनाब वजीर आजम साहब यही कह रहे हैं, जबकि इनसे ये 772 मुलाजिम रेगुलर नहीं हो पा रहे, जो उनको फौरी तौर इनकी तनख्वाहें अदा की जाए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर किया जाए। इन बच्चों के सरसाया आज ये मुजाहरा किया जा रहा है। हम इस बलोचिस्तान जनाब चेयरमैन BDA से मुतालबा करते हैं, खुदा रहा इनके जायज मुताबिक साहब से गुजारिश करूंगा। मैं गैस पे 7 माह से अगर आप किसी को तनख्वाह ना दे तो उनका क्या हाल होएगा? दुनिया के किस मजहब में है, दुनिया के किस कानून में है, दुनिया के किस रिवाज में है कि हम साथ यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं और हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं? अब जस्टिस साहब से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इन बच्चों को देखिए, इनके मुस्तकबिल को देखिए। एक दावे कर रहे हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, रियासत मदीना में ये बच्चे भूखे हैं। आप कहाँ हो रियासत मदीना के रखवालो? आप कहाँ हो? पता करो वरना हम उस हद तक जाएंगे कि आपकी सोच में भी नहीं होएगा। दोस्तों एक बात साफ बता देता हूँ, अगर मेरे घर में हमारे बच्चे मरेंगे तो मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है हम। इसलिए हम BDA के चेयरमैन से मुतालबा करते हैं कि फिल फॉर इस्तीफा दे अपने कुर्सी से, जिस महकमे में 7 नहीं तो हम उस हद तक जाएंगे, यकीन जाने कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। हम अपने बच्चों को भूखा मरने नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को दोनों बेदर बदर नहीं होने देंगे। दोस्तों हम वज़ीर आला बलूचिस्तान एक शरीफ आदमी है, हम उनसे मुद्दा के लिए, वो जो लोग 300 बंदे फंसे हुए थे सारे, वरना हम जो है वो अपने अगला हिकमत अमली بسم الله الرحمن الرحيم
یہ سلسلہ چل رہا ہے، کبھی تنخواہ ایک مہینے کی ملتی ہے، پھر تین مہینے کی انتظار ہوتا ہے، پھر ایک مہینے کی ملتا ہے، پھر چار مہینے کی انتظار ہوتے ہیں۔ آج اس بی ڈی اے کی ملازمی کو آج ساتواں مہینہ ہوا ہے، مگر اس بے اس بے شرم انتظامیہ، بی ڈی اے کی انتظامیہ، حکومت بلوچستان ان کو کوئی اس سے